बहुत तेज भगाती है यार वाइफ गाड़ी मालूम। हाँ दोस्तों पहुंच गए विलेज सिनेमा, सिर्फ भीड़ है अपने सिनेमा वन पर क्योंकि वहाँ पे लगी पठान मूवी। देखते ही देखते हो गया थिएटर फुल। सस्ती शॉपिंग करनी हो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में तो कॉटन ऑन पे चले जाओ। शॉप छोटी छोटी शॉप्स बनी रहती है बीच में, तो लोग देसी लोग वेट कर रहे सिर्फ अंदर जाने के लिए। इस तरह से शॉपिंग मॉल चलते ही जाता। बच्चों को यहाँ लाओ तो फिर मतलब खर्चा होना ही है तुम्हारा। हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है, फिर से आ गया आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। जल्दी से बताता हूँ, आज मैं देखने जा रहा हूँ मूवी पठान। इतनी हाइप चल रही है उस मूवी की तो मैंने बोला क्यों ना जाके उसको देख के आए और आपको भी दिखाऊं किस तरह का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उसको रिस्पांस मिल रहा है मूवी को। पास में हमारे एक शॉपिंग सेंटर है वेरी बी प्लाजा, और बस वहीं जा रहे हैं और वहीं इस मूवी का आनंद लेंगे। क्या वो खुल दिया क्या उसने? ना मैं लगाता हूँ, रुक जा। पन जा रही है इस गाड़ी में भाई, क्योंकि मेरी मूवी खत्म होगी लेट, तो वाइफ और बच्चे शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे और मैं पूरी मूवी देख रहा हूँ। चलो भाई निकल लिए, वाइफ भी निकल ली है आगे और अपन भी चल रहे हैं, क्योंकि वाइफ और मैं दोनों साथ में बच्चे को लेके तो थिएटर अभी जा नहीं सकते और वीकेंड पे यहाँ पे चाइल्ड केयर होता नहीं है, तो इसलिए मूवी देखने आज तो सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी अभी बच्चों को साथ में शॉपिंग भी करानी है, तो पहले शॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद में मैं जाऊंगा मूवी देख। इसलिए दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं ताकि वाइफ वापस बच्चे को लेके आ जाए। कल अंजलि भी मूवी देखने जा रही है दूसरे फ्रेंड्स के साथ और मैं देखूंगा कल कियान को। तो भाई ऐसा थोड़ा सा मिलजुल के करना पड़ता है यहाँ पे कहीं बार। लेकिन कभी कभी जैसे चाइल्ड केयर में छोड़ते हैं बच्चे को मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में जब चाइल्ड केयर खुला होता है तो हम दोनों साथ में भी हमको मौका मिल जाता है जाने का, पर आज तो ऐसा है थोड़ा सा अलग अलग देखना पड़ेगा। कोई नहीं फिर भी मजा आएगा। चलो मेरे साथ में आज आपको दिखाते हैं यहाँ का वेरी बी प्लाजा, साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह की ऑडियंस होती है, किस तरह की शॉपिंग होती है, क्या क्या चीजें मिलती है वो भी थोड़ा आपको बता दूंगा। और उसके बाद में चलेंगे वहाँ पे सिनेमा थिएटर जो है विलेज सिनेमास। यहाँ पे दो ही पॉपुलर सिनेमाज होते हैं, विलेज सिनेमास और हॉइट सिनेमा। तो आपको आज दिखाते हैं विलेज सिनेमा में जहाँ पे मैंने पठान का शो बुक कर रखा है। बहुत तेज भगाती है यार वाइफ गाड़ी मालूम, उसको इतना बोलता हूँ स्लो चला, लेकिन लड़कियों का जाने क्या होता है भाई, लिटरली आधा घंटा लग गया पार्किंग करने में। इतनी भीड़ हो गई देखो, सब जगह लोग से पार्किंग की पार्किंग ढूंढ रहे हैं। आज जाने क्या स्पेशल बिजी हो रहा है, देखो कितनी मारामारी चल रही पार्किंग, गाड़ियां लगी हुई है। अंजलि ऑलरेडी अंदर पहुंच गई है। कोई नहीं अभी मेरी मूवी स्टार्ट होने में तो है टाइम, 2 बजे का शो है, थोड़ी सी अंजलि को बस शॉपिंग करानी है। चलो फटफट पहले अंदर चलते हैं। ये भाई घुस गए अपन वेरी बी शॉपिंग मॉल के अंदर। ये वन ऑफ द मेनी एंट्रीज है वेरी बी शॉपिंग मॉल की। ये हमारे वेस्ट का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है भाई, वीकेंड पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। देखो बैंक में क्या लाइन लगी हुई है। ये इधर का फूड कोर्ट अच्छा खासा भरा हुआ है अभी, वीकेंड पे तो सभी लोग मस्त मटर गश्ती करने आए हुए हैं। इधर पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे और उसके लिए बस लेना है हमको गिफ्ट, और एक और मेरी फ्रेंड है उसकी भी 2 बच्चों का बर्थडे है तो उसके लिए भी थोड़ा सा बस गिफ्ट वगैरह लेना है। काफी बड़ा शॉपिंग मॉल है, सब कुछ मिल जाता है यार यहाँ पर, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड जो शॉप्स है अपने घर से करीब 15 मिनट दूर वेरी बी शॉपिंग मॉल। किड्स एंड किचन कुछ चल रहा है, बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह। ये देखो शॉपिंग प्लेटिपस शू स्टोर, यहाँ से लेता हूँ मेरे शूज मोस्ट ऑफ द टाइम। में शॉप का नाम है कैप्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैप्स और जैकेट वगैरह ही मिलते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड शॉप बना रही है। एक और शूज शो थोड़ा और जूम आउट करके दिखाता हूँ। पार्किंग की बहुत समस्या है भाई यहाँ पे वीकेंड पे, हर जगह पे पार्किंग लगाने में लग जाता है टाइम काफी सारा। ये हो गया यूनिक्लो चाइनीज स्टोर, ये भी सारा प्रोडक्ट रखते हैं, अच्छा मिडिल रेंज में सब कुछ मिल जाता है। सनग्लास हट मेरी फेवरेट शॉप, जैसे मैंने देखा ही होगा आपने, मेरे को सनग्लासेस बहुत पसंद है, यहाँ से भी काफी लिया मैंने। सस्ती शॉपिंग करनी हो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में तो कॉटन ऑन पे चले जाओ। सेम गोस फॉर जे जेस, वो भी उसी की तरह होता है। जैस जीन्स, ये सारे थोड़े चीपर ब्रांड होते हैं यहाँ पे। कॉर्नर भी चीपर ब्रांड होता है। ये देखो भाई इस तरह से शॉपिंग मॉल चलते ही जाता, मतलब आप राउंड घूम लो काफी लंबा है, सारे स्टोर सारा सामान मिल जाता है आपको यहाँ पे। में होती है परफ्यूम की शॉप, ये बनाते कॉपी परफ्यूम, कोई सभी ब्रांडेड एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव परफ्यूम हो उसका सेम फ्रेग्रेंस आपको सस्ते में दे देंगे $35 में। कोई भी ब्रांड आपको चाहिए, शनेल गुची यू नेम इट। शॉप छोटी छोटी शॉप बनी रहती है बीच में, क्योंकि बीच में काट रहे बाल यहाँ पे नहीं बने हुए, लाइन भी लगी हुई है लोगों की। ये देखो सही है आपके और आपके बाल वाल भी कटे हैं। ये भी इधर आ गया किड सेक्शन, और यहीं पे मेरी वाइफ वेट कर रही है मेरा टॉय वर्ल्ड पे, वो रहा टॉय वर्ल्ड। चलो चलते हैं। सामने बना हुआ छोटा सा बच्चे का खेलने के लिए पार्क, और मेरा बेटा हो रहा होगा इसके लिए एकदम बेताब। चलो उससे जल्दी जाके मिलते हैं, वो यहाँ खेलेगा मैं उसको देखूंगा, अंजलि थोड़ी शॉपिंग कर लेगी। ये आ गए हम टॉय वर्ल्ड, टॉयज ही टॉयज भाई बच्चों के, यहाँ आके बच्चे हो जाते हैं पागल। और ये आ गई मेरी वाइफ, मिल गई मुझे कियान। हेलो, हेलीकॉप्टर यू लाइक इट, चलो रख लो फिर तुम, ठीक है। पूरा स्टोर सिर्फ टॉयज ही टॉयज डायनो, ये बच्चों को यहाँ लाओ तो फिर मतलब खर्चा होना ही है तुम्हारा। यारिगन अच्छी लग रही मुझे, चल देख लो। हेलीकॉप्टर देख के एक्साइटेड हो गया तू? हाँ कियान ने एक तो उठा लिया, टॉयज ले लिए, याद जिसका बर्थडे उसके लिए, छोटी बच्चों का जिसका नेक्स्ट वीक बर्थडे है, और ये हमारे छोटू मास्टर के लिए। इसको आधे घंटे खिलाता हूँ मैं तो, देख के आज फिर अपन कुछ और खा पी लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। ओके यस यस कियान वी आर गोइंग, वेट बेटा, चल आ जाओ, उतरो। ओके ये भाई छोटा सा पार्क बना के रखते हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। लुक लुक, चलो क्लाइंब क्लाइंब इट अप, यस कम स्लाइड, आजा। हाय दोस्तों, हो गई थोड़ी सी शॉपिंग। यस कियान गेटिंग अ राइड फॉर यू, चलो ये H&M
तो भाई ये है मेरी भी शॉपिंग सेंटर, ये है यहाँ का मायर स्टोर, जो कि सारे ब्रांड का कॉम्बिनेशन होता है, पेंडोरा मायर सोरास्की। चलो भाई बीवी को छोड़ दिया, वो जा रही है, बीवी को छोड़ दिया, बीविया तो नहीं है, बीवी बच्चा जा रहा है, अपन चलते मूवी देखने। सिनेमा हॉल है ऊपर विलेज लेवल 1, ये आगे भाई लेवल 1 पर गेमिंग जोन बना हुआ बच्चों का, यहाँ पे भी किसी तरह आएंगे फुल फन करेंगे। हाँ दोस्तों पहुंच गए विलेज सिनेमा, ये देखो विलेज सिनेमा गोल्ड क्लास, आज तो पठान देख के रखेंगे, देखते हमको कौन रोकता है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गेमिंग जोन बना दी इन्होंने, स्नैक्स वगैरह लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। देखो यार भीड़ भाड़ तो दिख रही है, इंडियंस लोग भी आए हुए, आई थिंक लग रहा है पठान मूवी देख। गोल्ड क्लास के लिए लाउंज बना रखा है इन्होंने, मुझे पता नहीं था यार, नेक्स्ट टाइम उधर ही चलेंगे। ये देखो भाई पठान का पोस्टर, यश राज फिल्म पठान। भाई काफी भीड़ है, काफी लोग आ रखे है, देखो चारों तरफ सिनेमा 1 का ही वेट हो रहा है क्लियर होने का। आपको दिखाते हैं मेलबर्न में आज कैसा रिएक्शन है, कितनी ऑडियंस आ रही है, भीड़ देख के तो लग रहा है काफी लोग। ऑनलाइन जो मैंने बुक किया था उसको देख के लग रहा था कि फुल होगा। हाँ भाई बस पहुंच गए, थोड़ा 10 मिनट और, 2:10 का शो है, 2 बज रहे हैं, काफी लोग आ गए और यहीं पे देखेंगे अपन मूवी। अभी अंदर जाके बताता हूँ आपको थिएटर का क्या सीन है। सारी सिनेमा खाली है, ये देखो सिर्फ भीड़ है अपने सिनेमा 1 पर, क्योंकि वहाँ पे लगी पठान मूवी है। और देखो लोगों का रिएक्शन, कितने लोग देसी लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ अंदर जाने के लिए। द्वार खुल गए फाइनली, सब भीड़ उमड़ रही अंदर जाने के लिए, मेरे को लग रहा है फुल हाउस होगा आज। चलो भाई हम भी भीड़ के साथ साथ अंदर चल चलते हैं। इधर है भाई K18 K, ये रहा भाई K, थिएटर हो गया चालू, लोग आने लग गए, भरना लग गई है पब्लिक, भरना होना है चालू। अभी देखो एड 1 घंटे तक, लोग का रिस्पांस देख के ना बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मूवी में काफी मजा आएगा, पब्लिक सारी आएगी साथ में, सीटी बजाएगी तो फुल मजा आना है। चलो देखते हैं आज मेलबर्न जैसी बाहर की कंट्री में पठान जैसी मूवी का कैसा रिस्पांस होता है। ठीक है यार, काफी फैमिली वगैरह भी आई हुई है, देखते ही देखते हो गया थिएटर फुल, मेरे साइड वाले लोग अभी तक नहीं आए। यूजुअल ट्रेलर्स, वो ट्रेलर्स, तो फाइनली मूवी खत्म हो गई है और ठीक ठाक मूवी थी। आई थिंक ऑडियंस इतनी होने की वजह, शाहरुख खान की एक्सपेक्टेशन होने की वजह से सबको पसंद आई, मुझे तो ठीक ठाक लगी। आई मीन वॉज ओवरऑल ओके एंटरटेनमेंट, एक टाइम वॉच कर सकते हो, एक्शन काफी था, सो वॉज अ गुड मूवी। होपफुली आपको भी एक्सपीरियंस पसंद आया होगा यहाँ पे किस तरह की ऑडियंस होती है, और जो यहाँ पे आके सारा मूवी देखी और यहाँ का थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस लिया टोटल हमने साथ में मिलके। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ बाय और मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। खुश हुआ।